अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू वर्दास कुकिंग चैनल। आज रमज़ान स्पेशल में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिहारी चिकन ब्रेड कॉर्न्स की रेसिपी, और वो भी एयर फ्रायर में। यानी के हम इफ्तारी पे ऑयल का कम से कम इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम लोग हेल्दी रहें। तो चले हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिहारी चिकन ब्रेड कॉर्न्स बनाने के लिए आपको इन तमाम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, जिसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे चिकन बिहारी कबाब। मैंने लिए है 2 pounds ऑफ बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, धो के अच्छी तरह पैर ड्राई कर लें। अब मैं इसकी कट कर रही हूँ स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स की थिकनेस 1/2 centimeter के करीब होनी चाहिए। तो इस तरह से आप छुरी को डायगनली रख के तो इसकी स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। चिकन बिहारी कबाब के लिए मैंने चिकन को स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब इसके अलावा मुझे चाहिए 1/2 प्याज, इसको ऐसे मोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। लहसुन के 3 से 4 जो, जिनको मैंने छील लिया है। अदरक का 1 inch का टुकड़ा। उसके साथ मुझे चाहिए कच्चा पपीता यानी रॉ पपाया तकरीबन 2 tablespoons, ये मैंने कद्दूकश करके रख लिया है। सॉल्ट 1.5 teaspoons, रेड चिली पाउडर 1 teaspoon, टर्मरिक पाउडर 1/2 teaspoon, कोरिएंडर पाउडर 1 teaspoon, कश्मीरी रेड चिली पाउडर 1/2 teaspoon, क्यूमिन पाउडर 1/2 teaspoon, गरम मसाला पाउडर 1/2 teaspoon और रेड फूड कलर 1/8 teaspoon। ब्लेंडर जग में हम प्याज, लहसुन और अदरक डाल के इसकी एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। आपने इसमें पानी नहीं शामिल करना, आप प्याज की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और इस तरह से पल्सेस में आप इसकी अच्छी सी पेस्ट बना लें। हम चिकन पे ये पेस्ट लगाएंगे। साथ ही आप शामिल करते हैं रॉ पपाया, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर और गरम मसाला पाउडर और साथ ही रेड फूड कलर। मस्टर्ड ऑयल तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, ये ऑथेंटिसिटी के लिए ज़रूरी है। आपके पास मस्टर्ड ऑयल ना हो तो आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मैरिनेट कर दें और 1/2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तमाम ड्राई स्पाइसेस अच्छी तरह चिकन में जज्ब हो जाएंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच दही और अच्छी तरह इसको मिक्स करके हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले अच्छी तरह रच बस जाएं। अब बारी आई है चिकन स्ट्रिप्स को पिरोने की। तो ये मेरे पास छोटी सीखें हैं, एयर फ्रायर में ये आसानी से आ जाती हैं। तो इस तरह से आप सीखों पे चिकन को पिरो लीजिए। अगर आपके पास एयर फ्रायर नहीं है तो आप परेशान मत होइए, आप ये अपने तवे के ऊपर भी सीखों को रख के तो धीमी से दरमियानी आंच पर पका सकते हैं। एयर फ्रायर की अंदर वाली बास्केट पे मैंने एल्युमिनियम शीट बिछा दी है और उस पे मैं सीखों को इस तरह से प्लेस कर दूंगी। एयर फ्राई करेंगे हम 370 degrees Fahrenheit पे 15 मिनट के लिए एक साइड से, और फिर जब ये एक साइड से पक जाएंगी तो हम पलट के फिर से इसको एयर फ्रायर करेंगे 15 मिनट के लिए। जो मसाला बचे वो इस तरह से मैं सीखों के ऊपर लगा लेती हूँ। आप एयर फ्रायर की लोअर बास्केट पे भी एल्युमिनियम फॉइल लगा लें ताकि जब चिकन के जूसेस लीक हों तो आपका एयर फ्रायर गंदा ना हो। तो अब इसको एयर फ्राई करते हैं
370 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 15 मिनट के लिए। बिहारी कबाब एक तरफ से बहुत जबरदस्त पक गए हैं। अब मैं इसको पलट दूंगी और फिर से एयर फ्रायर करूंगी। वाओ, क्या जबरदस्त बिहारी कबाब तैयार किए हैं हमने और कितने आसानी से। तो चलें अब इनको सीखों से उतार लेते हैं और फिर इनको मैं कट कर लूंगी स्मॉल चंक्स में। चिकन बिहारी कबाब बहुत ही नरम और मुलायम बनते हैं, उसकी वजह है रॉ पपाया यानी कि कच्चा पपीता। तो आप हाथ की मदद से भी इसको बहुत ही आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं। तो चले अब ब्रेड कोन्स के लिए हम बिहारी चिकन की फिलिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल में चिकन ले लिया है और उसके ऊपर मैं शामिल कर दूंगी चॉप किया हुआ रेड अनियन 1 कप, 1/2 कप शिमला मिर्च, 1/2 कप हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें जिनको बारीक बारीक कट कर लिया है। ड्रेसिंग के लिए मैं 5 टेबलस्पून शामिल करूंगी इमली की चटनी या फिर टेमरिंड सॉस, आप बाजार की भी यूज कर सकते हैं। अच्छी तरह फिलिंग को मिक्स कर लीजिए। इस बात का ख्याल रखें कि आपका चिकन ठंडा हो गया हो तभी आप इसमें शामिल करें 1 कप मोजरेला चीज या फिर आप शेडर चीज भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी बिहारी चिकन फिलिंग रेडी है। अब हम ब्रेड कोन्स तैयार करते हैं। ब्रेड कोन्स के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड क्रम्स 1 कप, 1 से 2 अंडे जिनको अच्छी तरह फेंट लें और थोड़ा सा पानी शामिल कर लें। तो ये मेरे पास एग वॉश आ गया है। बाइंडिंग पेस्ट बनाने के लिए 2 बड़े खाने के चम्मच मैदा, उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें। 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं मैंने और मैं इनके किनारों को कट कर रही हूँ। अब एक स्लाइस ले लें और बेलने की मदद से इसको ऐसे पतला सा फैला लीजिए। अब हम इसको कोन की शेप देंगे। तो बाइंडिंग पेस्ट एल शेप में लगा के एक साइड से मोड़ के ऐसे कोन की शेप देके अच्छी तरह हाथ से प्रेस कर लें। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इस तरह से ब्रेड कोन बना ली है। आप 1-2 दफा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपसे ये सही से बनेगी। शुरू में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। अब इसको मैं फिल कर रही हूँ बिहारी चिकन की फिलिंग से। अब बाइंडिंग पेस्ट ऊपर वाले हिस्से पे लगाकर अच्छी तरह से मैं इसको बंद कर दूंगी। अगर आपकी डबल रोटी थोड़ी सी खुल जाए तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि अभी हम इसको एग वॉश और क्रम्स लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से सील हो जाएगी। तो ये मैंने 1 ब्रेड कोन तैयार कर ली है। बिल्कुल इसी तरह से हम तमाम ब्रेड कोन्स को रेडी कर लेंगे। ब्रेड कोन्स को आप पहले एग वॉश से कवर कर लें और उसके बाद इन पे ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। इस तरह से आप बहुत सारे ब्रेड कोन्स बना के इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और फिर इफ्तारी के वक्त या फिर अपनी दावत में इनको आप एयर फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं।
एयर फ्राई करने के लिए आप अच्छी तरह इस पे ऑयल का स्प्रे लगाइए और 370 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 8 से 10 मिनट के लिए एयर फ्रायर कर लें। तो आपके पास बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन कलर के ब्रेड कॉर्न्स आ जाएंगे। इनको आप इंजॉय कर सकते हैं मिंट चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। ये तो बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आते हैं। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको ये कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको मेरी रेसिपी फौरन मिल जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।